जैसे जुड़ रहे। तो गाइस आ चुके फिर एक नए लिरिक वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इस स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी एलाइट मोशन की मदद से। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों स्टेटस वीडियो को एडिट करने के लिए एलाइट मोशन को हम यहां से ओपन कर लेते हैं। देन आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और इस वाले रेशियो को सेलेक्ट करके और क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आइडियो को ऐड कर लेंगे। तो प्लस में जाएंगे, देन मीडिया में जाएंगे यहाँ से। तो वीडियो को हम ऐड कर लेंगे और इसमें से आइडियो को हम निकालेंगे। तो वीडियो वाले लेयर पे हम यहाँ से टैप कर देंगे। देन आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे टैप कर देना है ऊपर की साइड। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रैक्ट आइडियो, इस पर टैप कर देंगे तो आइडियो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम वीडियो को टैप करके और डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो एक टेम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे। तो प्लस में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, यहाँ से हम टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं। इसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से टेम्पलेट है, देख सकते हैं आप। शुरू में आ जाना है, यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल को ले लेना है। तो प्लस पे टैप कर देंगे और रेक्टेंगल को टैप कर देंगे और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर टैप कर देंगे और फिल कंपोजिशन एरिया, इस पर टैप कर देंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगल पूरा फुल हो जाएगा पूरा बैकग्राउंड में। और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके पूरा एन तक कर देना है, जितना बड़ा आइडियो है। तो एन तक हम कर देते हैं, देन बैक कर देंगे इस तरह से। फिर आएंगे हम शुरू में। शुरू में आने के बाद आपको करना क्या है, तो इस टेम्पलेट को हमें, जो वीडियो वाला टेम्पलेट है, इसको ऊपर हम रख लेंगे इस तरह से। तो हमें इस इतने पे आ जाना है आपको। तो रेक्टेंगल पे टैप कर देंगे और कलर और फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आपको करना क्या है, तो इस थोड़ा सा इसको इस साइड ब्लैक कलर पर लाना है इस तरह से, और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो इसको, इसके कलर को ब्लैक कलर पर रख लेना है, ये पिन को ब्लैक कलर पर रख लेना है इस तरह से। तो ये रेक्टेंगल का कलर एकदम सेम हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हम आइडियो को बीट कर लेंगे एक बार थोड़ा से, जहाँ जहाँ से हमारा आइडियो शुरू हो रहा है वहाँ वहाँ से हम बीट कर लेते हैं। तो जस्ट यहीं से हमारा आइडियो शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर बीट लगा देंगे, और दूसरा आइडियो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा बीट लगा लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को यहीं पर हम स्किप कर लेते हैं। तो गाइस हमने आइडियो पर बीट को ऐड कर लिया है, तो देख सकते हैं आइडियो को हमने बीट कर लिया है। तो हमें बीट के बराबर आ जाना है, तो प्लस में जाएंगे और ये गोल वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे और मूव ऑन ट्रांसपेरेंट पे आ जाएंगे इस तरह से। तो जूम वाले में आके इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, देन आपको इसको रख लेना है 550 रख लेते हैं देन, और इसको बिट के बराबर यहाँ से कट कर लेंगे हम, इस बिट के बराबर इसको कट कर लेंगे। और हम फोटो को ऐड कर लेते हैं, तो शुरू में आ जाएंगे, देन प्लस में टैप कर देंगे तो मीडिया में जाके यहाँ से हम फोटो को ऐड कर लेंगे, और इस फोटो को भी बिट के बराबर रख लेना है। तो शुरू में आ जाएंगे यहाँ पर, तो इस फोटो को सेलेक्ट करके देन यहाँ से नीचे रख लेंगे, इस सेव को ऊपर रख लेना और फोटो को नीचे रख लेना इस तरह से। देन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह से दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो ग्रुप एंड मार्क्स वाले पे टैप कर देंगे, तो एडिट ग्रुप पे टैप कर देंगे। तो हमें करना क्या है, तो फोटो को बीच में रख लेना है। तो देखेंगे फोटो थोड़ा ऊपर है और इसको थोड़ा छोटा करेंगे हम, तो फोटो वाले लेयर पर टैप करके देन मूव ऑन ट्रांसपेरेंट में आ जाना है आपको। यहाँ पर जूम वाले में आ जाएंगे पहले, तो ऊपर में इसको थोड़ा सा इस तरह से रख लेना है और जूम में आके इसको थोड़ा छोटा रख लेंगे इस तरह से, इतना रख लेंगे। देन थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन बैक कर देंगे और रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक इफेक्ट को ऐड कर देंगे रेक्टेंगल में। तो इफेक्ट पर टैप कर देंगे, देन ऐड इफेक्ट में टैप कर देंगे, तो यहाँ से हम गोशन ब्लर को ऐड कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से, 190 रख लेंगे, देन बैक कर देंगे और फिर बैक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। और गोशन ब्लर को थोड़ा से और बढ़ा देते हैं, तो
ग्रुप एंड मार्क्स वाले पे टैप कर देंगे, देन एडिट ग्रुप पे टैप करके देन पहले लेयर पे टैप कर देंगे, इफेक्ट में जाएंगे और थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, इस तरह से 210 रख लेंगे, देन बैक कर देंगे, फिर बैक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ से हम लिरिक को ऐड करेंगे, तो लिरिक्स को हम टाइप कर लेते हैं, देन हम प्लस में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ से हम लिरिक्स को टाइप कर लेते हैं। देन आपको ऊपर की साइड ये कोने वाले इस पर टैप करके इसको सेंटर में रख लेना है और इसके साइज को हम इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे और इसके कलर को हम रख लेते हैं वाइट कलर और इसके फॉन्ट को हम इस वाले फॉन्ट को रख लेते हैं। इसका लिंक हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थोड़ा सा और भी इसको बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, देन सेव कर देंगे इस तरह से। फिर इसको नीचे इस तरह से रख लेना है, यहाँ पर रख लेते हैं, देन इस बिट के बराबर इसको कट कर लेंगे हम, तो इस पर टैप कर देंगे, टेक्स्ट वाले लेयर पर टैप करके इतना कट कर देंगे हम, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम करना क्या है, तो ये ग्रुप एंड मार्क्स को ऊपर रख लेना है इस तरह से और ये लिरिक्स वाले लेयर पे टैप कर देंगे। और देन हमें करना क्या है, तो यहाँ बॉर्डर एंड शैडो पे टैप कर देंगे और इसको स्टोक को ऑन कर देंगे। स्टोक के कलर को हम रख लेते हैं वाइट कलर, फिर बैक करेंगे, शैडो में आ जाएंगे, शैडो को भी ऑन कर देंगे इस तरह से, कलर को वाइट कलर रख लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, देन स्टोक को भी थोड़ा कम कर लेंगे इस तरह से, देन बैक कर देंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहले तो ग्रुप एंड मार्क्स वाले पे टैप करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में टैप करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे फेड इन आउट, तो यहाँ पर सर्च कर लेना है फेड इन आउट, तो फेड इन आउट को हम ऐड कर लेते हैं। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देंगे और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, दोनों को 30-30 रख लेना है और दोनों को बंद कर देंगे इस तरह से। देखेंगे जैसे फेड बन के आएगा, तो लिरिक में भी ये फेड इन आउट को कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ से कॉपी वाले लेयर पे टैप करके और इसमें पेस्ट कर देंगे इस तरह से, तो ये देखेंगे तो लिरिक्स ऐसे भी आएगा। तो हमें करना क्या है, तो लिरिक में एक इफेक्ट को और ऐड करेंगे, तो लिरिक वाले लेयर पे टैप कर देंगे, देन इफेक्ट में जाएंगे और ऐड इफेक्ट में टैप कर देंगे, तो हमें इफेक्ट को ऐड करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेंगे, इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, देन सेटिंग को स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख लेना है, देन यहाँ पर टैप करेंगे तो रेंज को हमें रख लेना है। पहले तो शुरू में आएंगे 1+ यहाँ पर देंगे और लास्ट में थोड़ा सा आएंगे, लास्ट से पहले यहाँ पर आएंगे, ये इस वाले पे टैप करके इसको देन इसको 100 रख लेंगे इस तरह से, देन सेव कर देंगे। तो नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, इस पर टैप कर देंगे और यहाँ पर अल्फ़ा देखेंगे, तो अल्फ़ा को हम इस तरह से कम करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिरिक बन जाएगा और इस तरह से लिरिक आएगा। देन यहाँ से बैक कर देंगे, तो देखेंगे कुछ इस तरह से लिरिक बन जाएगा। तो लिरिक्स वाले लेयर पे फिर टैप कर देंगे और कलर और फिल वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, देन यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, फिर इस पर फिर प्लस पे टैप कर देना है स्टार वाले पे, तो यहाँ से एक फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, कोई भी आप फोटो को ऐड कर लेना है, तो यहाँ से हम इस फोटो को ऐड कर लेंगे, देन प्लस में टैप कर देंगे, तो देखेंगे लिरिक का कलर और थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा कलर इसका, तो जो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है और इस तरह से बन जाएगा। तो दोनों को यहाँ से हम इस तरह से कॉपी कर लेंगे, देन प्लस इस पर टैप करेंगे, तो कॉपी टू लेयर इस पर टैप कर देंगे, तो इस बिट के बराबर यहाँ से पेस्ट कर देंगे हम, तो पेस्ट टू लेयर यहाँ से इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ देखेंगे तो बिट थोड़ा दूर पे है, तो अब करना क्या है, तो ये ग्रुप एंड मार्क्स वाले पे टैप कर देंगे, देन यहाँ से इस टाइमर वाले ऑप्शन पे टैप करके और पहले तो इस बिट के बराबर आएंगे और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, तो इस बिट के बराबर हो जाएगा, देन बैक कर देंगे और इस पर टैप कर देंगे फोटो वाले लिरिक्स वाले लेयर पर, तो इस टाइमर वाले ऑप्शन से बढ़ा देना है और यहाँ से करना क्या है, तो इस लिरिक्स को हम चेंज कर लेंगे, तो इस पे टैप कर देंगे, देन एडिट टेक्स्ट पे टैप कर देंगे, यहाँ से इसको हम एडिट कर लेते हैं, यहाँ से हम दूसरे लिरिक को टाइप कर लेते हैं, देन यहाँ से सेव कर देंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, और फोटो को भी एडिट करना है, तो फोटो को भी हम चेंज करेंगे, तो
ग्रुप एंड मार्क्स वाले पे टैप कर देंगे, देन एडिट ग्रुप पे टैप कर देंगे। तो हमें फोटो को कैसे चेंज करना है तो सेम वैसे ही करना है। तो इस पे फोटो वाले लेयर पे टैप कर देंगे, कलर और फिल वाले को टैप कर देंगे और इस ये स्टार वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। तो इस तरह से फ़ोटो देखेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम फोटो को ऐड कर लेते हैं, देन प्लस पे टैप कर देंगे। तो देखेंगे फ़ोटो थोड़ा सा सही नहीं है, इसको भी एडजस्ट करना है, देन बैक करेंगे और देन फोटो वाले लेयर पे टैप कर देंगे, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म पे टैप कर देना है और थोड़ा सा फ़ोटो को ऊपर इस तरह से रख लेते हैं और थोड़ा भी जूम कर लेते हैं, अपने हिसाब से रख लेना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, देन बैक कर देंगे, फिर बैक कर देंगे। तो देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। आपको ऐसे करके दोनों सब लिरिक को चेंज कर लेना है और फ़ोटो को भी चेंज कर लेना है। तो इसको हमने पहले से कॉपी कर लिया है, तो यहाँ से इस बीट के बराबर आएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, फिर इस बीट के बराबर आएंगे और देखेंगे थोड़ा ये बड़ा हो रहा है लिरिक का लेयर, तो लिरिक का और फोटो का लेयर बड़ा है। तो इसको छोट कैसे करना है, उसी टाइमर वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, देन आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और इसको भी ऐसे करके छोटा रख लेना है और यहाँ से हम इसको पहले पेस्ट कर देंगे, ऐसे करके पहले हम पेस्ट कर देते हैं और इसको पूरा एंड तक ऐसे बढ़ा लेना है। टाइमर वाले ऑप्शन से इस तरह से बढ़ा लेना है, फ़ोटो और लिरिक को भी ऐसे बढ़ा लेना है। तो इसको भी हम बढ़ा लेते हैं जल्दी जल्दी करके। तो इस तरह से बढ़ चुका है। तो हमें करना है कि आप लिरिक को चेंज कर लेना है, तो लिरिक वाले लेयर पे टैप करके एडिट टेक्स्ट में टैप कर देंगे, देन यहाँ से लिरिक को हम चेंज कर लेते हैं, देन यहाँ से सेव कर देंगे, फिर देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब फोटो को चेंज करना है तो इस ग्रुप एंड मार्क्स वाले पे टैप करके एडिट ग्रुप पे टैप कर देंगे, ये फ़ोटो वाले पे टैप करके कलर फिल पे जाएंगे। आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं आपको। तो इस स्टार वाले पे टैप कर देंगे और यहाँ से कोई एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, देन प्लस पे टैप कर देंगे और देखेंगे कुछ इस तरह से वो आ जाएगा। तो इसको भी एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मूव ऑन ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से रख लेंगे, देन बैक कर देंगे, फिर बैक कर देंगे। तो देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें भी वैसे वैसे प्रोसेस को कर लेना है, देन लिरिक्स वाले लेयर पे टैप करके एडिट लिरिक्स में यहाँ से लिरिक्स को हम चेंज कर लेते हैं, देन यहाँ से सेव कर देंगे। इस तरह से लिरिक हमने टाइप कर लिया है और फोटो को भी चेंज कर लेते हैं, एडिट ग्रुप पे टैप करके और फोटो वाले पे टैप कर देना है, देन यहाँ से कलर फिल पे जाएंगे और स्टार पे टैप कर देंगे। यहाँ से एक फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं, तो इस फोटो को हम ऐड कर लेते हैं, देन प्लस में जाएंगे और फ़ोटो को भी एडजस्ट कर लेंगे, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म पे टैप करके थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और जूम करना चाहते हैं तो जूम कर लेना, अगर छोटा करना अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख लेना है, देन बैक कर देंगे, तो फिर बैक कर देंगे। तो इस तरह से लिरिक बन जाएगा, देख सकते हैं। थोड़ा सा हम वॉल्यूम कम कर लेते हैं इस तरह से, तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो देख सकते हैं स्टेटस वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, थोड़ा सा फोन लैग हो रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से बन जाएगा। तो आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो यहाँ से थोड़ा सा बैक कर देंगे एक बार, तो यहाँ पर इस पर टैप कर देंगे, देन एक्सपोर्ट वाले पे टैप कर देंगे। इस तरह से वीडियो सेव हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह नए नए वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।